नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टीएन फ्रॉम टीएन स्टूडियो। आज के इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं एक बहुत ही यूनिक चीज, यानी कि अपन फोक म्यूजिक को ड्रिल म्यूजिक में कन्वर्ट करेंगे और जो पुराना म्यूजिक है उससे सैंपल करके कुछ नई चीज बनाएंगे, एक मॉडर्न चीज अपन निकाल के लाएंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमारा म्यूजिक प्रोडक्शन एंड मिक्सिंग मास्टरिंग का ऑनलाइन पर्सनल क्लासेस, लाइव बैचेज, एवरीथिंग स्टार्ट हो चुका है। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। क्लासेस की, ऑनलाइन पर्सनल क्लासेस की डिटेल लेने के लिए इस व्हाट्सअप नंबर पे कॉन्टेक्ट आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये फोक पार्ट अपन देखने वाले हैं जो कि फोक म्यूजिक है। इसके बाद यहाँ से अपना जो है ड्रिल शुरू होगा। इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड करी है, मेलोडीज, सैंपल वगैरह सब अपन एक एक चीज़ करके देखेंगे। सबसे पहले ये फोक पार्ट जो है अपन सुन लेते हैं। इसमें सिंधु भाई की वोकल है और अमरजीत चमकीला जी का सॉन्ग है, उसको मैंने सैंपल किया है। सुन के देखिए एक बार। आओ जट दी मशूक बीबा रशिया तो, जट दी मशूक बीबा, आओ जट दी मशूक बीबा रशिया तो, सुन दी नी जट दी मशूक बीबा। ठीक है, यहाँ से फोक पार्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद ये ड्रिल वाला पार्ट शुरू होता है, इसको भी अपन सुनेंगे। सबसे पहले फोक जो है इसको सुनते हैं। एकदम 90s का 80s का फील दे रहा है, मोनो में सुनाई दे रहा है, रेडियो इफेक्ट लगे हुए हैं, काफी चीजें इसके अंदर है। सबसे पहले दोस्तों मैंने क्या किया, आपको एक जो है एक गाना ले लेना है जो कि आपको पसंद है, जिसको आप सैंपल करना चाहते हो, जैसे कि मैंने ये वाला सॉन्ग चूज किया। ठीक है, अमर सिंह जी चमकीला जो कि बहुत बड़े लेजेंड है पंजाब के, अलग अलग व्यूज हैं दुनिया के उन पे कि कुछ गलत गाने गाते हैं, लेकिन दोस्तों एक आर्टिस्ट जो होता है वो हमेशा मन से, सच्चे मन से म्यूजिक बनाता है ना, तो उसको वैसे जज ना करेगी वो कैसा इंसान है, उसका म्यूजिक से उसको जज करना चाहिए। ठीक है, सुनिए वोकल उनकी क्या बात है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को जी इनके गाने। तो ये जो गाना है इसका मैंने यहाँ से सैंपल चॉप किया ये वाला। ठीक है, फिर मैंने इसको क्या किया है, ये देखिए इस सैंपल को मैंने 500 सेंट नीचे कर दिया है और फिर इधर से 1200 सेंट ऊपर कर दिया। ठीक है, यानी कि पांच जो है इसके 500 सेंट नीचे करके, ठीक है, फिर 1200 सेंट ऊपर किया है, यानी कि ऊपर वाले ऑक्टेव में चला गया है ना। कन्फ्यूज मत हो, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट में लिख दो इन चीजों के बारे में अगर सीखना है तो। चलिए सुन के देखते हैं कैसा सुन रहा है अब। ठीक है, ऐसा सुन रहा है और इसको मैंने इस तरीके से चॉप करके यहाँ पे एडजस्ट करा। ठीक है जी, लास्ट में रेडियो इफेक्ट है, ये भी बताऊंगा कैसे लगाया है। इसके बाद दोस्तों इसमें एक फ्लूट डाली है मैंने, सुन के देखिए। क्या बात है, पूरा ओल्ड फील आ रहा है इसके अंदर, पंजाबी जैसे गाने होते थे 80s में। उसके बाद सिद्धू भाई की वोकल है जिसके ऊपर मैंने लगा रखा है दोस्तों एक नंबर में ले जाके, ये देखिए रेडियो कुछ इस टाइप का इफेक्ट मैंने लगा रखा है। ठीक है, रेडियो इफेक्ट लगाया हुआ था इस पर, कहाँ गया भाई, मिल क्यों नहीं रहा। अच्छा, वन नंबर में ये देखिए नीचे थोड़ी थोड़ी मैंने हाई फ्रिक्वेंसी जो है काटी हुई है, लोज मैंने इसका रखा हुआ है। ठीक है, तो लो फाई टच भी बोल सकते हैं इसको एक तरीके से, सुन के देखिए। आओ जट दी मशूक बीबा रशिया तो, जट दी मशूक बीबा, आओ जट दी मशूक बीबा रशिया तो, सुन दी नी। ठीक है, अब ये टेप स्टॉप इफेक्ट है, ये मैंने किस तरीके से बनाया है इसको अगर आप देखेंगे दोस्तों तो पूरे मास्टर पे मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, मास्टर के ऊपर मैंने लगाया हुआ है टेप स्टॉप इफेक्ट, ग्रोस बीट से मैंने इस तरीके से कुछ बनाया। भाई इस पर अगर वीडियो चाहिए ना तो मेरे को कमेंट में लिख दो, मैं बना दूंगा, क्योंकि ये काफ़ी हिप हॉप बीटों में यूज़ होता है। अभी इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो, लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब आता है मज़ेदार पार्ट, इंटरेस्टिंग पार्ट। ठीक है, इसके बाद अपना ड्रिल शुरू हो जाता है, सुन के देखिए। इसमें मिक्सिंग नहीं करी है मैंने अभी, नॉर्मल आपको एक बनाने के लिए मैंने सिखाया कि सभी स्टूडेंट्स को पता लग जाए कैसे कैसे बनता है। ठीक है, अब ड्रिल में देखिए यहाँ से टेप स्टॉप के बाद मैंने कुछ जो है मेलोडीज चूज करी, जैसे कि ये वाली मेलोडी है दोस्तों, एक ड्रिल की मेलोडी है। कुछ इस तरीके की मेलोडी मैंने यूज करी है। इसके अंदर अपन ने स्नेर यूज किए हैं, देखिए काउंटर स्नेर है।
ठीक है, इस तरीके की स्नेर है। एक एफएक्स है ड्रिल का, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज होता है ड्रिल में, ठीक है। हाई हैट्स, ओके जी। इसके बाद एक किक है, कहा, ठीक है। सारी कंसोलिडेट कर रखे दोस्तों मैंने, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है बहुत हैवी हो जाता है, इसलिए कंसोलिडेट आप भी कर लिया हो। स्नेयर, क्या बात है जी। इसके बाद कुछ पर्क्स है इस तरीके के, सुनिए एक बार। ये और एक ये पर्क है यहाँ पे, वाह जी वाह। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अपना ड्रम पैटर्न रेडी हो जाता है। एक बार ड्रम पैटर्न पूरा सुन लेते हैं मेलोडी के साथ, चलिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये बड़ा सिंपल लग रहा है ना, तो इंटरेस्टिंग चीजें इसमें कुछ कुछ डालेंगे अपन। जैसे कि मैंने ये फिलर डाला है, देखिए एक फिलर के साथ जो है दोस्तों, फिलर के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो है बन जाती है अपनी, और एक जो है पावरफुल उसमें लिफ्टअप बिल्डअप एड होता है, क्या बात है जी। उसके बाद कुछ क्रैश है, देखिए कश्मीर के, आहा, क्या बात है जी। इस तरीके से पूरा मेटेरियल जो है अपन ने रेडी किया दोस्तों, पुट करो इसको, पूरा सुनेंगे। इससे पहले आपको बता दूंगी, अगर आप बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट है, आपको कुछ समझ में नहीं आता म्यूजिक में ग्रो किस तरीके से करना, आप एक जगह पे अटक चुके हो, तो आपके लिए दोस्तों बेस्ट सॉल्यूशन मैं गारंटेड लिख के दे सकता हूँ आपको। हमारा 3 मंथ का ऑनलाइन म्यूजिक प्रोडक्शन एंड मिक्सिंग मास्टरिंग कोर्स है, जिसके अंदर पर्सनल बैचेज भी है, लाइव क्लासेज भी है, ठीक है, और एकदम 1-on-1 क्लासेज भी उसमें अवेलेबल है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, मैं गारंटेड बोल सकता हूँ इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स है मेरा कोर्स। प्लस उसके अंदर फ्री डाटा है, फ्री डाटा आप समझ रहे हो ना किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पे कॉन्टैक्ट करके आप पर्सनल क्लासेस की, ऑनलाइन कोर्स की डिटेल जो है ले सकते हैं। चलिए गाना पूरा सुन लेते हैं दोस्तों, धन्यवाद। कमेंट जरूर करना यार, देखो कमेंट किया करो, अरे आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। आपको कोई भी चीज़ में दिक्कत होती है कमेंट कर दिया करो, मेरे को लिख के बता दिया करो क्या नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ पे आपको चाहिए, ठीक है। चलिए सुनते आओ जट दी मशूक बीबा रशिया तो सुन दी जट दी मशूक बी आओ जट दी मशूक बीबा रशिया तो जट दी मशूक बीबा आओ जट दी मशूक बीबा रशिया तो सुन